बच्चो, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। क्या तुम चिरकुट के साथ मेरी बात करवा सकते हो? क्या चिरकुट? अभी करता हूँ। दाम लगेगा 5 मिनट का एक सेब। लंबे समय का दाम अलग से। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करो, मुझे से बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा एक सेकंड रुको, चिरकुट ये वाला। आ? आ? बाप रे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा ना, इतने उन्नत है। हेलो रैंचो, तुम हो वो? हाँ, मैं हूँ। क्या हो गया, कौन चाहिए तुम्हें? रैंचो, मैं फोन का बिल हर महीने भरना चाहता हूँ, खर्चा एक साथ हो। ठीक है, पूरे महीने का खर्चा आएगा लगभग 30 सेब। ठीक है फिर, मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है, वो देने के बाद तुम्हें सेवा मिल जाएगी, समझे? ठीक है, बाद में मिलते हैं रैंचो, तुम्हारा दिन अच्छा हो। ये तो उसके दिमाग में कैसा आया? कितना बेकार हूँ मैं सबको मदद करना चाहता था और बदले में कुछ फल कमाना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी तरकीब चुरा लेगा। अब मैं क्या करूँ, ये बहुत बुरा हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे इसका प्रचार करना होगा और दाम भी घटाना पड़ेगा। और आखिरकार मुझे देखना होगा कि सब लोग मेरी सेवा से खुश है कि नहीं, और ये दुनिया की सबसे अच्छी सेवा होगी। मेरी अपनी बड़ी सेवा के लिए कोई अच्छा नाम सोचा होगा। मिल गया मेरा संदेश वाहक, मैं जानता हूँ ये सबको नाम अच्छा लगेगा, सब इसकी तारीफ करेंगे। डब्लू, क्या मुझे संदेश वाहक की सेवा मिल सकती है कृपया? अरे भाई कृपया। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, किस बात का इंतजार है तुम्हें? एक बार मेरा संदेश वाहक की बड़ी सेवा लेकर तो देखो, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, समझा? इसने झंडा मत करा, मैं इसे सिर्फ 2 सेब लगेंगे, इसमें तुम कुल मिलाकर 3 संदेश भेज पाओगे। आ जाओ आ जाओ, इसकी कीमत है सिर्फ 2 सेब। मैं सवाल से घूम रहा हूँ, अब तक एक भी ग्राहक नहीं मिला है मुझे। अरे झंडा, मेरा संदेश वाहक डब्लू, क्या तुम अभी भी ये कर रहे हो? मैंने अपनी परी सेवा बदल दिया है, देख सकते हो, ये नया नाम लिया है और सत्ता भी कर दिया है। माफ करना, मैं अभी रैंचो की सेवा ले रहा हूँ। मेरी परी सेवा का एक बार इस्तेमाल करने में बुराई क्या है? अगर तुम ये सेवा लेते हो तो अभी छूट मिला है, ये बहुत ही सस्ता है, पानी के भाव जैसा। सिर्फ 2 सेब चाहिए और तुम इस दाम में कुल 3 संदेश भेज सकते हो। माफ करना डब्लू, मुझे कहीं जाना है, कुछ लोगों से मिलना है। मैं दूसरा ग्राहक ढूंढता हूँ, मैं हर रोज एक दरवाजे पे जाऊंगा। हो इसे देखो तो जरा। रुको दोस्त, कैसा हो? सुप्रभात। ओ हाय, सुप्रभात। मुझे अपनी नई वार्ता भेजने वाली सेवा का परिचय करवाने का मौका दो। ये बहुत ही सस्ता है और जंगल का सबसे अच्छा भी, और सिर्फ 2 सेब। अरे बाप रे, नहीं कोई मेरी परी सेवा क्यों नहीं लेना चाहता है? ये कितना ही सस्ता है, काफी अच्छा भी हो। मेरा संदेश वाहक परी सेवा को तो देखो भाई, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाओ, बाद में मिलेंगे, अलविदा। अरे नहीं, वो तो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, मुझे उससे बाद में बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए। आज डब्लू कहीं नहीं देखा, आखिर मैं काम पर निकल सकता हूँ। चलो काम शुरू करता हूँ मैं। लखा का बच्चा फिर से आ गया। ये तो पेड़ काटने की आवाज आ रही है। अरे यार, ए लखा, तुम्हें क्या कर रहा हो? मैं जा रहा हूँ। वापस आओ, करने की जरूरत नहीं है, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। हाँ ठीक है, तुम हमेशा यही बोलता हो। ओए
ये क्या परेशानी है, मुझे पेड़ काटना है यार। जो भी हो मैं तो ये करके रहूंगा। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी सारी रस्सियां बांधी किसने होंगी? ये रस्सी वहां से आ रही है, है? लेकिन यहाँ इनका क्या काम? टकला लखा, अरे लखा गया। महाराज, अब आपका संकट का लखा गया। क्या हो गया बाबू? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है बाबू, आपातकाल में जरा शांत रहना, समझ गए? खुद को देखो जरा, कोई घबराया हुआ पागल जैसा। खुद को काबू करना सीखो बाबू। अब्बा को क्या परेशानी है? वो लखा आ गया। अब उसे क्या चाहिए? लखा? वो यहाँ क्यों आया है? अरे मेरे महाराज, वो घबराया हुआ भी है। बाबू तुम जाके निपटो उससे, मुझे जरा काम है। मेरे महाराज, मुझे अकेला मत छोड़िए। ये रस्सियां यहाँ क्यों लगाई गई हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंग बिरंगा चीज कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये तो मेरे पुराने स्वेटर का ऊन है। अरे नहीं, मेरा स्वेटर किसने चुरा लिया? अब ये किस लिए है? ये तो सही है यार। अरे वाह, सबको मेरा सलाम और बाकियों को नमस्ते। लखा मेरा नाम, मैं पेड़ काटूं हंसते हंसते, हाथ में मेरा औजार, इसके बिना मैं लाचार। बारिश हो या धूप, पेड़ काटूं। क्या चल रहा है? ये आवाज कैसी है? इस चीज को आकर क्या हुआ है? बेकार है ये। काटना है मेरे जीवन का आधार, काटूं काटूं काटूं। अरे लखा को क्या हुआ है? दिमाग बेच कर आया है? अरे नहीं, ये पागल तो मेरा धंधा बंद करवा देगा। आता डब्लू क्या हो गया? उसे मेरे घर तक आने का दोष मैं तुम्हें देता हूँ। सही पकड़ा है। सुनो, वो अंदर बहुत शोर मचा रहा है। अरे मुझे काटने से प्यार यार, काटना ही जीवन का आधार। हंसना बंद करो, वो गाना गा रहा है और मेरा धंधा बंद कर रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की और ऊपर से हम ज्यादा कामयाब हैं। ये सही है, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा धंधा खत्म हो गया। सोच कर लाए हो? काटू मैं तो पेड़ ही काटू, मजा आए मुझे जब पेड़ में काटू। डब्लू माफी मांगना चाहता हूँ, मैं बहुत ही जलबता हूँ भाई, माफ कर दो। मैं पेड़ काटू खूब, पेड़ काटू खूब। अरे मुझे लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, फिर हमारा मकसद है लखा को दूर भगाओ। पेड़ ही काटो काटो। लखा के बच्चे, ये ले ये ले ये ले। भागो यहाँ से और कभी वापस मत आना, समझ गए? ठीक है, मैं फिर से संपर्क जोड़ता हूँ। एक खास संदेशा भेजने वाली सेवा इस जंगल में सबसे सस्ता भी। एक चलो भी, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन तुमने बहुत अच्छी कोशिश की छोटे, समझे? घर जाओ और अच्छे से सो जाओ, फिर हम तुम्हारे लिए नया सेव कमाने का तरीका ढूंढेंगे, क्या बोलते हो तुम? हाँ ठीक है।